हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, ये क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है जो हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन ये है कि रूट अंडर टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करें। आप साबित कैसे कीजिएगा, इसको प्रूफ करना, आपको प्रूफ डैट ये आपको रहेगा हमेशा, प्रूफ डैट यानी साबित करना होगा रूट अंडर टू क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी ये आपको पहले से बोल दिया गया इरेशनल है, लेकिन साबित आप कैसे करेंगे, तो इसका एक टेक्निक होता है और एक लंबी विधि से हम उसको बनाते हैं। वो तो काम आपको करना ही है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक क्या है, किस लॉजिक का हम लोग प्रयोग करते हैं, इस लॉजिक को मैं समझा देता हूँ। हम लोग का मानना यह है कि जो भी अगर इरेशनल नंबर है, जो भी परिमेय संख्या है, उसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में, चाहे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें कोई भी फैक्टर अगर इसको काट दिया जाए तो कोई भी एक के अलावा कौन फैक्टर नहीं आएगा। इसे आप 3/4 लिखा, ये इरेशनल नंबर है। ये 3 और 4 दोनों एक के अलावा किसी और नंबर से कटेगा ही नहीं, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, एक है, एक और कोई नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर अगर इरेशनल होता है तो इसके बीच 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो, अगर नहीं है तो हो सकता है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसको मान लेंगे रूट अंडर टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल मान के चलेंगे। उसके बाद देखिए कहानी क्या होती है, इसको फिर से पहले लिखेंगे। लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं रूट अंडर टू इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, यानी हमारा मानना यह है कि रूट अंडर टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इसका लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट अंडर टू इज पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और मान लेते हैं रूट अंडर टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, अगर रेशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, पी बाई क्यू हो गया। एक और बात में लिखना पड़ेगा, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर देन 1, यानी P और Q एक के अलावा किसी और नंबर से ये कटने वाला नहीं, ऐसा मान लिए हम लोग। नाउ तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रूट अंडर टू इक्वल टू पी बाई क्यू लिख दिया, जो हमने माना वो लिखा। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर लीजिए। स्क्वायर अगर आप ले रहे हैं तो आप लिखेंगे रूट अंडर टू का स्क्वायर, और इधर लिखेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी को अगर आप आगे स्टेप बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो पी स्क्वायर बाई टू लिखूंगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई टू। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो आप लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर is divisible by 2, so p is also divisible by 2, यानी कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से कट जा रहा है तो वो नंबर भी उससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि p जो है 2 से कट रहा है, यानी p इसमें जो कॉन्फेक्टर लिया था हमने माना था एक अलावा किस नंबर से नहीं कटेगा, लेकिन देख रहे हैं 2 से कट रहा है। फिर देखो एक चीज और अब यहाँ पर ध्यान रखना है, पी स्क्वायर बाई टू है ना, तो पी के जगह पर आपको ऐसा नंबर मानना है ताकि क्यू स्क्वायर भी 2 से ही कटे, ताकि आप उसको प्रूफ कर सके। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ लेट, क्या मान लूंगा, पी इक्वल टू 2k मान लेता हूँ, पी इक्वल टू 2k, तो क्या लिखेंगे, वी हैव, क्या मिल जाएगा हम लोग को, पी स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर मिल जाएगा, आप बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे इसी को क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखोगे 4k² / 2 लिखोगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2k² इसी को आप लिखिएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के स्क्वायर, इसको देखिए और यहाँ पर आया इसको देखिए, इन दोनों को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर यहाँ 2 से कट रहा है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब पी और क्यू दोनों क्या है, 2 से डिवाइड है। यहाँ पर क्या है आपका, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई
यानी 2 से भी आपका नंबर कट रहा है। तो ये सारी चीज हम देख रहे हैं कि 2 नंबर कट रहा है, तो एक लास्ट में आपको लाइन लिखना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं कि पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 2, यानी पी और क्यू क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्राडिक्शन था, जो एजम्पशन था, वो आपका रंग हुआ। यानी लिख सकते हैं आवर एजम्पशन एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमारा मानना क्या था, गलत था, ठीक है। हेंस 202 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नहीं हो सकता है। तो यही था इसमें, यानी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसमें टेक्निक यही था कि पहले आप इसको रेशनल मान के चलोगे और देखोगे बाद में कौन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आ रहा है तो किसी और नंबर से ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि रूट अंडर 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आने वाला ही क्वेश्चन है। इतना ही, धन्यवाद।